ग्वालियर के अयोध्या धाम पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना की। उनके साथ राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सिंधिया ने भारत में राम राज्य स्थापित होने का विश्वास जताया। सिंधिया ने 500 वर्षों बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को महत्वपूर्ण बताया। सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर क्या कहा। आप सबको बधाई, भारत के हर वासी को केवल बधाई नहीं लेकिन विश्व के भगवान राम के श्रद्धालु और अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा दिवस है 22 जनवरी 2024 जो इतिहास में स्वर्णम अक्षरों से लिखा जाएगा। प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या धाम में स्थापित कर, उनके जन्मभूमि में स्थापित कर, 500 सालों की तपस्या संपन्न आज हुई और ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर और अवश्य राम राज्य भारत में स्थापित होगा जहाँ न्याय सबके लिए, समन्वय सबके लिए, गरीब मुक्त करवाना और एक प्रगतिशील राष्ट्र जो विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर उभरे, अब ये हमारा लक्ष्य बना। उनका सौभाग्य है कि उनको ये भगवान राम का आशीर्वाद स्वतः वहाँ बैठ कर प्रदान। सिंधिया जी वहाँ का गुस्सा, कभी ऐसा गुस्सा देखा नहीं है ये? आपने जो गुस्सा भी कलेक्टर को काफी किया, ऐसा गुस्सा पहले कभी देखा नहीं है। कोई राजनीतिक क्रोध हो अंदर के अंदर।